नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कहाँ से बजा रहे हैं? शामली से, उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, और सुबह आप लोग आए जी, और उसमें आज क्या आनंद आया, क्या फ़र्क है, बच्चे को कैसा लग रहा है, आपको कैसे लगा है, क्या अनुभव हुआ है? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा बच्चा और ये बताऊँ, ज़्यादा रिएक्ट भी ओवर रिएक्ट कर रहा है जी। तो आपने इसको संभालिएगा, तैयार करना, पढ़ाना लिखाना है जी, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप खाली बातों में रह जाएं, उसको छोड़ दें, थोड़ा हार्श होना पड़े तो चिंता मत करिएगा। हेलो, हाँ हेलो भी कहने से आँख ऊपर करता है। ये पहला बच्चा है कि नहीं सुनने वाले बच्चे कभी भी हेलो कहा तो ऊपर आँख नहीं करेंगे, मतलब एक सामान्य व्यक्ति की तरह। आप इसको बात भी करते हो ना कान में, तो तुरंत कहना मानता है आपका, ठीक है। आप मुझे क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? आशीर्वाद ये है कि मतलब आपकी उम्र इतनी होगी, आप मतलब ऐसे ऐसे लोगों को सही कर रहे हैं, तो आपका तो मतलब सर आशीर्वाद क्या है, सच बताऊं कि मुझे खुद को बड़ा गौरव होता है कि आप लोगों ने मेरे पर विश्वास किया। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में लोग विश्वास नहीं करते हैं जी। लोग क्या करते मालूम है कि चलो जी कैसे हो गया, ऑपरेशन करवा लेंगे, 20 लाख बिगाड़ देंगे, 30 लाख बिगाड़ देंगे, इसका इम्प्लांटेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉर्मल बच्चा आई है जी। आप करवाओगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी जी। आपने कान कटवा दिया इसका और यहाँ नर्स बिठा दी तो फेल हो जाएगा जी। हाँ ध्यान रखिएगा। दीदी आपको क्या लगा? खुश है एकदम? सचमुच घर के खुश होने आपको कैसा लगा है? बहुत खुश हो एकदम? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे तो भाई साहब आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपका लड़का है? अच्छा लग रहा है। लाड़ मत करिएगा ज़्यादा इसको। सीटी बजाना है? सीटी बजाऊँ? भाई इसको सीटी बजाना सिखा देना है। इसके बाद 15 दिन चला गया सीटी बजाना इसके सामने। हाँ नहीं पर सीटी बजाना सिखा देना, सीख जाएगा। आप चिंता मत करो, खाली उसको सामने बैठो और ऐसे कराओ, देखो पूरी जीभ को उल्टवाओ इससे। ये मत समझो कि ये नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा है, ये पूरा मनुष्य का बच्चा है। मतलब ये कोई वो जानवर नहीं है, जानवर के बच्चों को नहीं समझ में आती है, मनुष्य को बच्चे को तो सब समझ में आता है जी। तो आपको कैसे मान लेंगे कि नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ ये देखो, और जो इतना क्या चीज आपको 3 महीना और एक काम करना, अधीर नहीं होना है, पीछे से नहीं करना, जो ट्रेनिंग आगे से करनी है। पीछे से करोगे तो आप लोग नाराज निराश हो जाओगे, ट्रेनिंग नहीं होगी। जो आगे से करोगे वो पीछे करेगा, 3 महीने के बाद में पीछे कर देगा। थाली बजाओ अभी समझ लेगा, ढोल बजाओ अपने आप समझ लेगा। तो फिर क्यों बोलते हो कि समझ, इसके उसके स्वार्थ की बात करो, ठीक है।